तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हो ठीक ठाक आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे सभी और अपने अपने घरों में सभी सेफ होंगे पहला तो सभी टीचर्स को मेरी तरफ से सल्यूट बहुत बहुत ज्यादा मेहनत हम लोग कर रहे हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम अपने बच्चों के लिए वीडियो जो बना रहे हैं ठीक है उनके डाउट सेशन ले रहे हैं उनको वर्कशीट सेंड कर रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ अदर ठीक है? तो पहले टेक अब ऑल द टीचर्स देयर, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम ठीक है तो आज का जो वीडियो है इसको बनाने का रीजन है कि मेरे काफी टीचर्स साथी जो है मेरे कोलीग जो हैं और फ्रेंड जो हैं वो तो मेरे से पूछते हैं कि आप जो टीचिंग वाली हैं, उनको एडिट कैसे करते हो ठीक है तो ये वीडियो बिल्कुल इसी सब्जेक्ट पे है हो तू, हो टू, है है हाउ हाउ एडिट द टीचिंग ठीक क्योंकि होता क्या है? सिर्फ लेक्चर देना काफी नहीं होता उसमें बच्चे कई बार बोर हो जाते हैं तो हम भी कई बार चाहते हैं कि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम कोई फोटो कोई वीडियो कोई टेक्स्ट हमें वीडियो में डालना हम चाहते हैं कि वीडियो में डाल दें ठीक है तो वो चीजें कैसे करते हैं वही मैं आज आपको बताने वाला हूं तो वीडियो में बने रहिए वीडियो को एंड तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है काइन मास्टर ऐप में ठीक है काइन मास्टर जो ऐप है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है ये है हमारे पास काइन मास्टर ऐप ठीक है दोस्तों तो जब ये ऐप खुलेगी तो आपको इस तरह का जो यूजर इंटरफेस है आपको दिखाई देगा सबसे पहले आपको जाना है इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कीजिए और इसके बाद जो भी वीडियो आपने जिस भी आस्पेक्ट रेशो में बनाया है उसको चूज कर लीजिए ज़्यादातर जो लैंडस्केप वाली वीडियो जो होती हैं वो सिक्सटीन बाई नाइन और पोर्ट्रेट वाली नाइन बाई सिक्सटीन रेशो में होती है तो लेट बी चूज़ द सिक्सटीन बाई नाइन आस्पेक्ट रेशो वीडियो ठीक है तो इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा आपने जाना है मीडिया में ठीक है मीडिया में जाते हुए आपके पास आपके डिवाइस फोल्ड में से फोल्डर खुल जाएंगे ठीक है तो जिस भी फोल्डर में आपका जो वीडियो जिसको आपने एडिट करना है वो है आप उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए जैसे मेरा कैमरा वालिया तो है वो पड़ा हुआ है वीडियो जो है जैसे ये वाला वीडियो मैंने सेलेक्ट कर लिया ठीक है अब इस वीडियो में मैं यहाँ पे नाइन्थ क्लास का एक टॉपिक एनर्जी वाला टॉपिक मैं करवा रहा हूँ ठीक है लाइट थोड़ी सी कम थी तो इसलिए मेरा शेडो जो है आर्टिफिशियल लाइटिंग में मैं बना रहा था तो शेडो तो जो है वो पड़ रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डे लाइट में ही वीडियोज बनाइए क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट जो है वो कितनी भी अच्छी हो वो कभी भी नेचुरल लाइट का जो मुकाबला नहीं कर सकती ठीक है दोस्तों तो ये वाला वीडियो है एनर्जी वाला पहली चीज़ तो कई बार होता क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ वीडियो के अंदर तो इस पार्ट को मैंने कट करना है ठीक है तो आपने करना क्या है कट करने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कीजिए उसके ऐसे अराउंड ऐसे येलो सा जो बॉर्डर है वो आ जाएगा ठीक है तो ऐसे चलिए आगे आगे लेते जाइए इसको जब आप आ गए वीडियो में ठीक है फ्रेम के अंदर आ गए यहाँ से मान लीजिए आपने स्टार्ट करना है तो इसको कट करने के लिए इससे पहले वाला जो पार्ट है इसको कट करने के लिए आपने क्या करना है इस ट्रिमर जो सीजर वाले आइकॉन पे जाना है और जैसे लेफ़्ट पे है मेरा वेस्टिंग पार्ट तो मैं कर दूंगा ट्रिम टू द लेफ्ट ऑफ प्ले हेड ऐसे ही बिल्कुल आप अगर कहीं पे भी वीडियो को ट्रिम करना चाहते हैं तो लेफ़्ट या राइट अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ट्रिम टू द लेफ्ट ऑफ प्ले हेड ठीक है तो यहाँ से अब मेरा वीडियो जो है वो चलेगा ठीक है तो यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ ठीक है देखिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारा टॉपिक ये ये वाला है तो आप वहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने टेक्स्ट ऐड करना है तो आप कहाँ पे जाओगे आप जाओगे इस लेयर वाले ऑप्शन पे, ठीक है लेयर में जाते हुए आपने जाना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर दीजिए जैसे मेरा यहाँ पे टॉपिक था मकैनिकल एनर्जी ठीक है मैकेनिकल एनर्जी ऐसे तो ये यह यहाँ पे आ जाएगा इसका आप इसको आप अब अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो जैसे कलर इसका कोई चेंज करना है तो कलर जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन लगा दिया ठीक है आप ये इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है तो आप इसके अराउंड यहाँ से ठीक है आउटलाइन इसकी लगा सकते हो नो इट इज़ मच विजिबल एंड अफेक्टिव देन बिफोर ठीक है दोस्तों तो ये हमारा टेक्स्ट एड हो गया अब आप इसके साथ कोई एनिमेशन अगर लगाना चाहते हो जैसे इन एनिमेशन है ठीक है जैसे क्लॉक वाइज आए तो आपने क्लॉक वाइज वाला लगा देना है ठीक है जो मर्जी आप लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग ठीक है दोस्तों तो टेक्स्ट आप ऐसे ऐड कर सकते हो जैस जिस मर्जी पार्ट में आपने टेस्ट टेक्स्ट जो है वो ऐड करना हो ठीक है इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो आपने इमेज ऐड करनी है ठीक है इमेज आप कोई सी भी ऐड कर सकते हो जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने इमेज ऐड करनी है जिस पोजीशन पे आपने इमेज ऐड करनी है उसी पोजीशन के आप के ऊपर आपको ये वाला जो प्ले हेड है वो रखना होगा ठीक है तो वहाँ पे रोक के वीडियो को आपने लेयर को सेलेक्ट करना है इसके बाद जाना है आपने मीडिया में ठीक है इमेज या फिर वीडियो ऐड करने के लिए आपने मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है ठीक है तो जहाँ पर मान लीजिए मैंने वीडियो सॉरी इमेज जो है वो ऐड करनी है ठीक है जैसे लीजिये मान लीजिए मैंने ये वाली इमेज ऐड करनी है तो इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा ठीक है कोई बेस्टिंग पार्ट है तो आप इमेज को क्रॉप भी कर सकते हो इधर क्रॉपिंग वाला ऑप्शन आपके पास आएगा ठीक है जैसे मान लीजिए मैंने इसको ऐसे क्रॉप कर दिया ठीक है दोस्तों तो आप इसको थोड़ा सा फैदर में रख सकते हो जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे शार्प एज हैं तो शार्प बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते अफेक्टिव नहीं लगते तो आप इसको फैदर में ला सकते हो अब ये पहले से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ठीक है दोस्तों तो ये हमारे पास इमेज ऐड होगी मान लीजिए आप इसको ज्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हो तो आप इसको इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको स्ट्रेच करके कहीं तक मर्जी ले जा सकते हो आप इसको पूरी वीडियो में भी ऐड कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो ये थी इमेज ऐड करने वाला प्रोसेस सिमिल इन द सेम वे वी यू कैन आल्सो ऐड वीडियोस ठीक है जैसे मैंने कोई वीडियो ऐड करना है मान लीजिए मैं यहाँ से कोई वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ लेट मी सेलेक्ट अ वीडियो ठीक है मान लीजिए मैंने ये वाला वीडियो जो है वो इस वीडियो में लगाना चाहता हूँ ठीक है तो आप वीडियो को भी आप क्रॉप कर सकते हो ठीक है तो ये बहुत एक बड़ा एडिटिंग टूल है वीडियो को क्रॉप करना ठीक है दोस्तों इसके ऊपर भी आप वही मास्क लगा सकते हो ठीक है तो ये हमारे पास ऐड हो गई इसके अंदर वीडियो ठीक है तो वीडियो आप ऐसे ऐड कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो इसके बाद इसके बाद मान लीजिए आप बीच में कहीं पे भी रुक गए ठीक है लेट आप बीच में रुक गए आपको कोई खांसी आ गई किसी ने बुला लिया ठीक है किसी ने कुछ गिरा दिया तो ऐसा कुछ जब भी हो तो ठीक है इस वीडियो में मेरा ख्याल मैंने एक शॉट में ही वीडियो बना ली थी तो ठीक है मान लीजिए यहाँ पे लेट ठीक है मैं बाहर चला गया वीडियो से तो आपने यहाँ पे उस पार्ट को कट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए ठीक है इस कैंची वाले ऑप्शन पे जाके आपने क्या कर देना है स्प्लिट एट प्ले हेड ठीक है तो ये दोनों वीडियो जो हैं अब स्प्लिट हो चुकी हैं। अब आप इसको खींच के ठीक है जहां से मर्जी आप ट्रिम कर सकते हो बिल्कुल इसी तरह ठीक है दोस्तों ये हो गया ट्रिमिंग वाला ऑप्शन अब मान लीजिए आप इसके बीच में कोई और वीडियो डालना चाहते हैं ठीक है बीच में कोई और वीडियो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आपने क्या करना है मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना है ठीक है कैमरा वाले ऑप्शन के ऊपर जा, जाने के बाद आपने जो वीडियो ऐड करना है उसको क्लिक कर दीजिए जैसे अब इसके अंदर मेरा दूसरा वीडियो जो है वो ऐड हो चुका है ठीक है तो मेरे को अब ये नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूँगा ठीक है जब आपने वीडियो को डिलीट करना है तो उसी के ऊपर क्लिक करके आप इधर लेफ्ट वाली साइड डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए ठीक है दोस्तों तो ये थी मेरा ख्याल सभी जो अशेंशियल चीज़ें हैं ठीक है वो कवर हो चुकी हैं करने को तो देखो हम बहुत कुछ कर सकते हैं ठीक है बहुत ऑप्शन हैं ये काइन मास्टर जो ऐप है वो ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है दोस्तों ठीक है तो मान लीजिए आपने कोई लोगो ऐड करना है ठीक है लोगो भी बिल्कुल वैसे ही हम ऐड कर सकते हैं ठीक है जैसे हम इमेज ऐड कर सकते ठीक है तो जैसे मेरा कोई लोगो लेट ये वाला मेरा लोगो है चैनल का लोगो ठीक है तो इसको मैंने ऐसे छोटा करके यहाँ पे रख दिया ठीक है अब आपको इसे स्ट्रेच करते हुए पूरी वीडियो के अंदर लगा देना है ठीक है ऐसे बिल्कुल ठीक है दोस्तों तो ये थी हमारे पास गाइड टू एडिट वीडियोस ठीक है इसके अलावा आप अपने चैनल की कोई इंट्रो अगर आप लगाना चाहते हो तो आप इंट्रो लगा सकते हैं ठीक है जैसे इंट्रो मेरे चैनल की जो इंट्रो है मैंने ऑलरेडी बना रखी है आप भी बना सकते हो ठीक है जैसे ये वाली है ठीक है दोस्तों तो ये होगी मेरे चैनल की इंट्रो बिल्कुल ऐसे ठीक है देख लीजिए आप तो बिल्कुल ऐसे आप भी अपनी वीडियो जो है वो एडिट कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो मेरा ख्याल ये चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी और आपके स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगी ताकि वो अच्छे से और अफेक्टिवली चीज़ों को लर्न करन, कर कर पाएँ दोस्तों ठीक है अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आती है कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कभी भी नीचे कमेंट करके अपना जो प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो आपके दूसरे टीचर भी वी वीडियोज बनाते होंगे तो वीडियोज़ को कैसे एडिट करना है उनको भी बताइए ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें ठीक है दोस्तों थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग Stay home, stay safe.